हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं चेहरे पे क्या लगा के बैठा हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ओपन पोर्स का जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर मैं ले रहा हूँ टॉपिक, और ये है ट्रीटमेंट ऑफ ओपन पोर्स विद लेज़र। तो मैं CO2 फ्रैक्शन लेज़र के थ्रू पोर्स को टाइट कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताऊँगा। जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारी स्किन लूज होती है, पोर्स डायलेट हो जाते हैं, जिसमें ओपन पोर्स की प्रॉब्लम आ जाती है लोगों को। जैसे जैसे ओपन पोर्स डायलेट होते हैं उसमें डस्ट फंस जाती है, इसके कारण ब्लैक हेड्स होने लगते हैं, और अगर वो इन्फेक्शन हो जाता है तो एक्ने होने लगते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि प्लीज़ ओपन पोर्स के ऊपर ट्रीटमेंट बताएं, तो मैं ये ओपन पोर्स के ऊपर टॉपिक ले रहा हूँ आज का। इसमें मैं अपने ऊपर करके दिखाऊंगा कि कैसे ये ट्रीटमेंट होता है। इसमें मैंने अभी एक क्रीम लगाई हुई है, प्रीलॉक्स क्रीम, ये नमिंग क्रीम है। इसको 45 मिनट के लिए लगाया जाता है ताकि स्किन नम हो जाए, फिर आपको दर्द नहीं होता। मैं इसमें CO2 फ्रैक्शन लेज़र यूज़ करूँगा जिसके थ्रू हम माइक्रो इंजरीज करेंगे स्किन की लेयर में, और जो 21 दिन में कोलेजन रिमूवल कराएगा, स्किन टोटली टाइट हो जाती है और पोर्स ख़त्म हो जाते हैं और एकदम टाइट रिंकल्स, फाइन रिंकल्स, लाइन सब खत्म हो जाती है इसमें। और ये CO2 फ्रैक्शन लेज़र को मंथ में एक बार करना पड़ता है, 4 to 5 सेटिंग होती है। अगर आपके फेस में स्कार है, एक्सीडेंटल मार्क है, स्ट्रेच मार्क्स हैं, या एक्ने स्कार है आपको जो एक्ने के बाद हो जाते हैं, तो वो भी इस मशीन के थ्रू हम ट्रीट कर सकते हैं। तो जस्ट वेट करिए, मैं आपको दिखाऊंगा भी इसको कैसे करते हैं। और हाँ, इसमें डाउन टाइम की बात करूँ तो इसमें 4 to 5 days या 7 days का डाउन टाइम रहता है। आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, धीरे धीरे पपड़ी बन के निकलती स्किन में से, और आपको गुड क्वालिटी ऑफ मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है, सनस्क्रीन अच्छी क्वालिटी का लगाएं। और अगर आपको जैसे जैसे अगर एज हो रहा है तो आप उसको रेगुलर फॉलो करें, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और मैं भी आपको दिखाऊंगा जब मैं OT में जाऊंगा कि प्रोसीजर होता कैसे। तो जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, सो दिस इज़ अ लेज़र, इज अ CO2 फ्रैक्शन लेज़र। इसमें मैं सेटिंग करूँगा, मैं 10 joule पर सेट करूँगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ब्लड डाउन टाइम ज़्यादा रहेगा। और जो ये मैं YouTube पे 10th को ऑन लाइव आने वाला हूँ, माइंड भी मेरा डाउन टाइम रहेगा, तो देखता हूँ कितना स्कैप बचता है। मैं बहुत अजीब दिखने वाला हूँ 10 तारीख को लाइव। ओके, सो इसका हैंड पीस है ये, और डॉक्टर आशीष मेरा ट्रीटमेंट करने वाले हैं। ये है हमारे डॉक्टर आशीष, और ये मैं अभी मोबाइल दूंगा इसको, जो ये मेरा बाकी वीडियो बनाएगा आप लोगों को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर आशीष पे मेरा पूरा भरोसा है, मेरा बहुत पुराना डॉक्टर है। ओके, सो ये नमिंग क्रीम है जो डॉक्टर आशीष रिमूव कर रहे हैं। ये स्किन को नम कर देता है ताकि पेन ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि ये थोड़ा लिटिल पेनफुल प्रोसीजर है, बट आफ्टर अप्लाइंग दिस क्रीम ये पेन नहीं करता है। तो इसको 45 मिनट बाद रिमूव किया जाता है, और डॉक्टर आशीष रिमूव कर रहे हैं इसको। तो मैं थोड़ा अभी वीडियो को पॉज करूँगा, ये जब पूरा एक बार रिमूव हो जाए। तो ये क्रीम रिमूव हो रही है, और प्लीज देख लो, मैंने गोरा होने की कोई फिल्टर नहीं लगाया। आशीष का हैंड देख लो और मेरा फेस देख लो, आशीष अपना हाथ दिखाओ, डॉक्टर आशीष अपना हाथ दिखाओ, डॉक्टर आशीष का हैंड देख लो। बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं कि मैंने गोरा होने के लिए फिल्टर लगाया है, तो कोई फिल्टर नहीं है, शेड डिफरेंस देख सकते हो आप लोग। मैं मेरे ट्रीटमेंट से गोरा हूँ। अगर आप लोग को भी गोरा होना है तो एडवांस किट यूज करो, और इंस्टॉल पैक भी लगा सकते हो। ओके, सो मैं अब मैं मोनू जी को दूंगा ये मेरा कैमरा, क्योंकि अभी मैं लगाऊंगा गॉगल सेफ्टी के लिए। तो अभी ये बीटाडीन से पूरा एरिया क्लीन किया जा रहा है ताकि इन्फेक्शन ना हो कोई भी, क्योंकि एक इन्वेसिव, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है। तो इसमें हम बीटाडीन स्प्रिट से क्लीन करते हैं, और क्रीम मेरी दाढ़ी में भी फंस चुकी है जो डॉक्टर आशीष निकाल नहीं पा रहे हैं। इसका डाउन टाइम 4-5 दिन चलता है, या 6-7 दिन भी हो सकता है। तो डॉट डॉट रहेंगी, जैसे हमें जब इंजरी होती है, जैसे हम कभी गिर जाते हैं, चोट लगती है, तो जिस टाइप की हमको इंजरी होती है, एक पपड़ी बन के निकलती है, वैसे डॉट डॉट पपड़ी बन के निकलेंगी, और 4-5, 6-7 दिन माइट भी मेरे को लगेगा इसको रिकवरी होने में स्किन को। बट आफ्टर दैट मेरी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, और वापस मैं और ज़्यादा जवान हो जाऊँगा, मेरी स्किन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो मैं इसको रेगुलर कराता रहता हूँ जवान बने रहने के लिए। डॉक्टर आशीष हंस रहे हैं, देख लो भाई, शेड डिफरेंस देख लो,
जो भी स्टूपिड लोग जो कमेंट छोड़ते हैं कि फिल्टर है प्लीज, कोई फिल्टर नहीं है, मैं इतना गोरा हूँ, प्लीज आके मेरे से मिलो, ठीक है, डॉक्टर आशीष को देख लो डॉक्टर ओके तो अभी हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये अभी लेजर से इंजरी क्रिएट कर रहे हैं, माइक्रो इंजरी क्रिएट कर रहे हैं, और ये सेफ्टी गॉगल लगाए हुए क्योंकि आई प्रोटेक्ट करना पड़ता है इसमें, और ये फुल फेस पे दे रहे हैं। इसको थोड़ा पास में करके दिखाना मोनो, और जो 10th को मैं YouTube पे लाइव आने वाला हूँ तो माइट भी मेरे फेस पे थोड़ी ये दिखेगा इसके स्कैब्स, तो आप लोग डरना मत। ये जो स्किन होती है इसकी जो स्किन रिलैक्स हो जाती है, स्किन एकदम लूज रहती है, वो टाइट कर हो जाता है इससे, और जो इलास्टिन एंड कोलेजन है वापस बन जाते हैं। इलास्टिन और कोलेजन हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देता है। ये सेम उसी तरीके से होता है जब हमारे एक बार बॉडी में बोन बन जाती है तो बन जाती है, ये दोबारा तभी बनती है जब उसमें डैमेज होता है। तो ये CO2 फ्रैक्शनल मशीन के थ्रू हम स्किन में जो कोलेजन और इलास्टिन उसको डैमेज कर रहे हैं, और ये 21 डेज के बाद ही कोलेजन रिमॉडल होगा, वापस से बनेगा, और ये स्किन को एकदम स्ट्रेंथ अप कर देगा, टाइट कर देगा। अगर आपके फेस में एक्नेस्कार हो, कोई भी तरीके के बर्न मार्क हो, चाहे फेस पे हो, चाहे बॉडी पे हो, चाहे स्ट्रेच मार्क्स हो, ये सब पे वर्क करता है। अगर आपके नोज़ पे भी अगर ओपन पोर्स होते हैं, जैसे मुझे ओपन पोर्स हैं नोज़ पे, तो ये इसी के थ्रू मैंने उसको टाइट अप किए हैं। अगर आपके फेस पे भी ओपन पोर्स हैं तो आप उसको टाइट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डिमांड में था ये वाला टॉपिक, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछते थे कि प्लीज़ ओपन पोर्स के लिए कुछ बताइए। तो ये बहुत अच्छा प्रोसीजर है, आपको 3-4 सिटिंग लगेगी, एक सिटिंग एक मंथ में नहीं, वन सिटिंग इन अ मंथ यू हैव टू टेक। और इसके बाद आपको 3-4 दिन एक क्रीम लगानी रहती है, रिटारल एंड प्रोसीरोइड, जो रिकवरी क्रीम होती है जो फास्ट रिकवरी कर देती है, और आपको अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर लगाना है ताकि वो फटाफट स्कैब निकल जाए। और इसके बाद पकड़ के मैं डॉक्टर आशीष का ट्रीटमेंट करूँगा विदाउट नमिंग क्रीम, विदाउट नमिंग क्रीम मैं सारे बदले इससे निकालूंगा। इससे आपके फेस पर अगर फाइन रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं या कुछ भी है वो भी खत्म हो जाती है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आप ये प्लान आउट कर रहे हैं प्रोसीजर CO2 फ्रैक्शनल लेजर अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा डाउन टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको कोई भी ऐसा ओकेशन ना हो, कोई शादी या कोई ऐसा फंक्शन ना हो कि एक आध हफ्ते या अगले दिन या नेक्स्ट डे या वन वीक में, वरना ये आपके आप उसमें जा नहीं पाएंगे, बिकॉज ये डाउन टाइम क्रिएट करेगा और आप उसमें आपको विजिबली फ्लेक्स दिखेंगे। तो आप थोड़ा गैप लेके चलिएगा, एटलीस्ट आपको एक महीने का गैप अच्छा होना चाहिए किसी भी ओकेशन के लिए। मतलब ये 7 डेज में तो आपका स्कैब निकल जाएगा, बट रिकवरी होते होते 10-15 डेज लगता है, तो आप प्लीज़ को गैप लेके चलिएगा। इसके बाद अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो स्किन को मॉइस्चर लेवल को मेनटेन करता है, और साथ ही साथ आप चाहें तो हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड की क्रीम्स आती हैं वो अगर आप अप्लाई करेंगे तो स्किन में और ज़्यादा स्मूथनेस आ जाएगी। डॉक्टर आशीष ने पूरे में क्रीम नहीं लगाई और हर जगह कर रहा है ये, और कई जगह मुझे पेन हो रहा है। मैंने हर जगह क्रीम लगाई थी, बता रहा हूँ आशीष, बट एक्स्ट्रा ही कर रहा हूँ मैं आपको। आशीष ज़्यादा दया मत दिखाओ, ज़्यादा एक्स्ट्रा मत करो, ये एरिया में थोड़ा देख लो, वैसे वाले सिस्टम से मत करो, तो वैसे वाले से जालोकिन स्प्रे है ताकि नमिंग स्प्रे है ताकि पेन ना हो, ढंग से स्प्रे करो।
ये शावर मोड है जो ये डॉक्टर आशीष दे रहे हैं, ये कंडीशन में चलता है और कोई एरिया छूट गया तो उसको कवर करता है। ओके तो ये कंप्लीट हो गया है, देखो कुछ कुछ हल्का सा रेडनेस दिख रही है, रिदमा कहते हैं रेडनेस। तो थैंक्स डॉक्टर आशीष एंड थैंक्स मोनू जी जिसने ये वीडियो बनाया आपके लिए। और देख लो भाई मैं गोरा हूँ। ये जो स्टूपिड लोग भी कमेंट करते हैं कि ब्यूटी प्लस है क्या, कौन सा मेकअप है, क्या बता रहे थे, मैंने पढ़ा कुछ कुछ कमेंट पढ़े जो बोले गोरा होने के लिए फिल्टर यूज़ किया, तो मैं सबसे गोरा हूँ। तो ये भी गोरा है बट देखो मैं ज्यादा गोरा हूँ। इट्स ओके, सो डू फॉलो मी, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर माय वीडियोस अगर आपको पसंद आए। और इसका मैं रिव्यू बताऊंगा, मैं एक काम करूंगा कि मैं ये वीडियो धीरे धीरे अपलोड कर, मैं अभी वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, मैं आपको कल एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें दिखाऊंगा कि मेरा डाउन टाइम कैसा है, फिर सेकेंड डे मैं फिर करूँगा। तो ये आपको वीडियो थोड़े दिन बाद देखने को मिलेगा, अभी आपको धीरे धीरे मेरा फेस देखने को मिलेगा कि कैसा हो जाएगा और उसके बाद रिकवरी के बाद मैं कितना अच्छा दिखने वाला हूँ। ओके सो बाय एंड वेट। चलो सो आज सेकेंड डे है मेरे लेजर स्कार रिमूवल का, इसमें ओपन पोर्स और फाइन लाइंस ख़त्म हो जाती हैं। सो ये आप देख सकते हैं पूरे डॉट 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 हैं, ये 4-5 दिन तक रहेंगे ऐसे स्पॉट्स और फिर धीरे क्लियर आउट हो जाएंगे। और मैं भी लगा रहा हूँ नोकी वाइट क्रीम, इट्स अ कोलेजन रिकवरी क्रीम जो मेरी स्किन को एज अ सन प्रोटेक्शन भी देगा और रिकवरी भी फास्ट कराएगा। इट्स अ वेरी गुड क्रीम, लगाते ही चमक आ जाती है और दिन भर शाइन मारता है। तो एक ही बार दिन में लगाना है, उसके बाद आपको अप्लाई नहीं करना रहता है। सो आप देखेंगे कि इसको लगाते ही मेरे चेहरे पर चमक आ गई है, शाइन कर रहा है। और इसको थोड़ा सा अच्छे से मसाज करके रब करना रहता है, ये मैं रेगुलर डेली फॉलो करता हूँ। एक बार लगाने के बाद आपको दिन भर ही शाइन करता है, आपको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं उसके बाद। ये कोलेजन बूस्टिंग भी करता है साथ में शाइनिंग देता है, तो ये एकदम शाइन मार देता है फेस में और ये दिन भर इसका रिजल्ट रहता है। आपको दिन में एक ही बार लगाना है। तो मैं अब आपको कल वीडियो दिखाऊंगा कि मैं कल मेरी स्किन कैसी है। चलो सी यू बाय। आई सो टुडे इज़ थर्ड डे ऑफ माय CO2 फ्रैक्शन लेज़र एंड स्टिल यू कैन सी देयर आर सम स्कैब्स, ड्राइनेस एंड रेडनेस। सो नाउ आई एम अप्लाइंग दिस कोरियन वाइट क्रीम, इट्स अ कोलेजन बूस्टिंग क्रीम, अगेन आई एम अप्लाइंग, आई यूज़ इट डेली फॉर whitening and glowing and recovery. I can feel little roughness because of scab, because of dead skin, and they will go off. This is a Korean white cream which give you a glass skin effect. It's a very good cream. ये आपको दिन भर शाइनिंग इफेक्ट देता है, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका, दिन भर शाइनिंग इफेक्ट देगा, शाम तक फेस शाइन करेगा, वाइटिंग इफेक्ट देगा और साथ ही साथ आपको ग्लोइंग स्किन और कोलेजन बूस्ट अप करेगा, एंटी एजिंग वर्क करेगा, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं इसके, बहुत सारे इफेक्ट हैं। तो ये 3-4 दिन लगेगा स्कैब को निकलने में, मैं आपको कल फिर अपडेट करूंगा। बाय। हाय सो टुडे इज द फोर्थ डे ऑफ माय CO2 फ्रैक्शनल लेजर पील एंड यू कैन सी माय स्किन इज गॉट कंप्लीटली रिकवर्ड, यू कैन सी देयर इज स्लाइटली एरिथमा रेडनेस एंड ये भी धीरे धीरे चला जाएगा। सो अगर आपको भी कराना है स्किन टाइटनिंग या कोई भी स्कार रिमूव करें तो गो फॉर CO2 फ्रैक्शनल लेजर, इट्स रियली वेरी गुड और एंटी एजिंग इफेक्ट भी देता है।
और मैंने आपको दिखाया कि फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे फोर्थ डे कैसा था रिकवरी टाइम. सो इफ यू लाइक माई वीडियोज जस्ट डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके सो स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता. बाय. एंड यस मैं ये बहुत जल्दी एक क्रीम बताने वाला हूँ आपको फॉर कोरियन ग्लास स्किन एंड इट्स माई सीक्रेट वाइटनिंग. इट्स वेरी गुड. मैं आपको अभी फिर से लगा के दिखा दूँ. मैं टीवी लगाता हूँ जस्ट वेट. सो मैंने इतनी सी क्रीम ली है और इसको रेगुलर मैं डेली यूज़ करता हूँ फॉर ग्लास स्किन. सो जो लोग बोलते हैं कि मैं फिल्टर यूज़ करता हूँ तो येस दिस इज़ माई फिल्टर. दिस क्रीम इज़ माई फिल्टर जो मेरे को वाइटनिंग इफेक्ट देती है. सो ये किसी ऐप का कमाल नहीं है. ये कोरियन जो क्रीम है कोरियन वाइट क्रीम उसका कमाल है. ये स्किन को इवन करता है, ग्लास स्किन फीलिंग देता है, शाइनिंग देता है, स्मूथ बनाता है, टाइटनिंग इफेक्ट देता है. दिन में एक बार लगाना है और रात भर सॉरी नेक्स्ट डे तक आप चमकते रहोगे. अभी मैं एक यहाँ से लगा रहा हूँ तो ढंग से लग नहीं पा रहा है. सो स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज. बाय. और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. ओके बाय.